हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो देखिए, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं फोरियर सीरीज़ को, और फोरियर सीरीज़ को हम पूरा देखेंगे। तो देखिए, सबसे मेन होता है इसमें कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद आप बहुत ही अच्छे से इसमें कमांड कर सकते हैं, क्योंकि फोरियर सीरीज़ का आपको जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो इतना भी कुछ भी टफ नहीं है। फोरियर सीरीज़ हम कैसे लिखते हैं वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो फोरियर सीरीज़ को हम दो वे में स्टडी करते हैं। एक होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, एक होती है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो एक एक करके हम दोनों को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज को, ओके, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज को। कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा जो कि बिल्कुल हेल्प करेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो लेक्चर होने वाला है, आपको बिल्कुल अच्छे से नोट करना है, ओके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फोरियर सीरीज़ हमेशा किसकी लिखी जाती है? पीरियोडिक फंक्शन की फोरियर सीरीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, पीरियोडिक फंक्शन की हम क्या लिखते हैं? फोरियर सीरीज़। अब थोड़ा पीरियोडिक फंक्शन थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए कोई फंक्शन ऑफ एक्स में अगर हम उसका टाइम पीरियड ऐड करते हैं तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स आ जाता है। तो इस ये होती है हमारी पीरियोडिक की कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होती है पीरियोडिक फंक्शन की, आपको पता होगा। और जहाँ पे जो एक्स है वो रियल वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, ओके। एंड टी है जो फिक्स वैल्यू है, टी की भी कोई वैल्यू हो सकती है, मतलब कुछ वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कुछ मतलब अनडिफाइन होगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो होता है टी, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फंडामेंटल टाइम पीरियड, ओके। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो पॉजिटिव नंबर होता है हमारा, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, फंडामेंटल, ओके। तो ये आपको पता होगा, पीरियडिक फंक्शन का जस्ट इंट्रोडक्शन था ये, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि फोरियर सीरीज़। तो देखिए, फोरियर सीरीज़ को हम दो में डिवाइड करते हैं, यानी कि इंटरवल के केस में हम दो में हम स्टडी करते हैं। फोरियर सीरीज़ दो केस में पढ़ी जाती है, ओके। पहला होता हमारा जब इंटरवल हमारे एल के टर्म्स में हो, दूसरा होता हमारा पाई के टर्म्स में हो, ओके। तो दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब देखिए, एक फॉर्मूला आपको याद है तो दूसरा फॉर्मूला जस्ट सेम है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पर आता है मैं बताऊंगा। चेंजेस कहाँ पर आता है? सिर्फ एंगल में चेंज आता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखिए, दूसरे का आप अपने आप याद हो जाएगा, ओके। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। सिर्फ एल और एक्स वाई में जो हमारा, सॉरी पाई है जो, उसमें क्या डिफरेंस है हमारा? सिर्फ एंगल का डिफरेंस हो जाता है, यानी कि जो साइन और कॉस के जो टर्म्स होते हैं वो एंगल डिफर कर जाते हैं, ओके। तो देखते हैं, तो फोरियर सीरीज़ कैसे लिखते हैं हम? तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एल इंटरवल के टर्म्स में। तो एफ एक्स होता है हमारा ई नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन से इन्फाइनाइट, ब्रैकेट लगाइए, समेशन दोनों पे ऑपरेट होगा, ए एन कॉस एन पाई बाई एक्स एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ओके। तो ये हमारा सीरीज होती है फोरियर सीरीज। और देखिए, लिमिट हमेशा याद रखनी है, हमेशा कहाँ से क्वेरी करती है? वन से इन्फाइनाइट करती है, ओके। तो गलत नहीं कर देना कहीं, इसमें कुछ और कर दो, जीरो कर दो, तो गलत हो जाएगा। जो हमारा एक्सपेंशन होता है वो वन से लेके इन्फाइनाइट होता है, ओके। ए एन बी एन ये और जो ए नॉट है हमारे, वो फोरियर कोफिशियंट होते हैं, ओके। इन तीनों की वैल्यू हमको मेन निकालनी पड़ती है। जैसे हम इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, तो हमारा लास्ट एट लास्ट फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमारा मिल जाता है, ओके। तो देखिए, एल में ये याद रखिए, एंगल कितना होना है? एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, ओके। तो एल में एंगल आपको याद रखना है एन पाई एक्स अपॉन एल, ओके। और जो समेशन है वो दोनों पे ऑपरेट होता है, ओके। तो ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो ए नॉट क्या होगा? वन अपॉन एल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ओके। ये ए नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ए एन की कैसे करते हैं? वन अपॉन एल एफ एक्स डी एक्स तो रहने वाला है, बस देखिए ए एन किसके साथ आ रहा है? कॉस के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा टर्म यहाँ पे हम और लिख देते हैं, तब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ओके। ऐसे बी एन में देखिए क्या आ रहा है? साइन वाला टर्म आ रहा है, तो साइन वाला हम फंक्शन से मल्टीप्लाई करके तब हम इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए, जो पाई इंटरवल का है तो कितना सिंपल है, एल की जगह हम पाई पुट कर देते हैं सिर्फ। तो पाई से जब हम यहाँ पुट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल कितना बचेगा हमारा? एन एक्स बचेगा, यहाँ पे भी एन एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या चेंज आएगा? ये भी हमारा एन एक्स हो जाएगा, ये भी एन एक्स हो जाएगा, और वन अपॉन एल जो दिखा था यहाँ पे कितना हो जाएगा? वन अपॉन पाई, ओके। तो सिर्फ पाई और एल में इतना डिफरेंस है। तो देखिए, पाई के मैंने फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद है, दूसरा बहुत ही ईजिली अपने आप लिख सकते हैं, ओके। तो केयर करने की चीज़ ये है कि जो लिमिट्स होती है एन से, जो एन की लिमिट वैल्यू होती है वो कहाँ से होती है एक्सपेंशन की? वन से लेके इन्फाइनाइट, ओके। तो ये होती है हमारी फोरियर सीरीज। तो देखिए, बहुत ही ईजी है, आपको सीरीज आनी चाहिए और आपको टर्म निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो बी एन ए एन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया। बी एन किसके साथ आता है? साइन एक्स के साथ। तो इसलिए जो भी एंगल यहाँ होता है वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ एक्स के साथ, ओके।
और ऐसे ही कॉस एन एक्स हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ई एन के साथ आ रहा है। ओके, तो इन तीनों की हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आपको ये सीरीज़ याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में सीरीज़ पूछेगा तो आपको सीरीज़ ये याद होनी चाहिए। अब आप ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। ओके, तो देखिए इंटीग्रेशन आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे ही आप वैल्यू निकाल लेंगे, आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा फोरियर सीरीज़ तो बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छे से फॉर्मूले एक बार लिखें आप तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो अब कुछ हम थोड़ा प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि फोरियर सीरीज़ करते टाइम आपको बहुत ही हेल्प करने वाली। ओके, तो पहली हमारी वेन एफ एक्स इज ऑड, ठीक है, इंटरवल मैंने मान लिया माइनस पाई से पाई इंटरवल, ठीक है, जस्ट मान लिया है। ओके, तो वेन फंक्शन इज ऑड, कहने का मतलब है कि जो फंक्शन हमको क्वेश्चन में, अगर जो एफ एक्स हमको गिवन होगा जिसके हमको फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना होता है, तो क्वेश्चन में अगर हमको जो फंक्शन दिया है वो ऑड है तो ऑड इवन चेक करना आपको आता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ओके, तो अगर हमारा फंक्शन ऑड है तब क्या होगा, ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन पाई माइनस पाई पाई, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू यही तो होती है एफ एक्स डी एक्स। तो जब भी आपका फंक्शन ऑड हो जाता है तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ओके, और ए एन की भी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। तो ये तो हमारा मेन फॉर्मूला होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, और ए नॉट की वैल्यू जीरो। तो हम सिर्फ बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो बी एन की सिंपल किससे होती है, इस फॉर्मूले से। देखिए अब देखिए यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी लगाई जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। इंटीग्रेशन अगर माइनस ए से ए हो, ओके, और ऐसा कुछ फंक्शन जो होता है, तो अगर ये फंक्शन इवन है तो क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ हो जाता है, और लिमिट कहाँ से हो जाती है, जीरो से पाई एफ एक्स। ओके, तो इसलिए ये जीरो से पाई होगी क्योंकि ये फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन हमारा इवन है। ओके, क्यों, क्योंकि ऑड फंक्शन हमें दिया है और साइन कैसा फंक्शन होता है, ऑड, तो ऑड इनटू ऑड क्या हो जाएगा, इवन। ओके, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, टू से मैंने मल्टीप्लाई करते जीरो से पाई। ओके, तो सिंपल मैंने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाई, इससे क्या होगा, आप कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अगर आप इस फॉर्मूले से करें तो कर सकते हैं, बट जो आपकी कैलकुलेशन होगी, देखिए माइनस पाई नीचे भी लिमिट है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खोलेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए प्रॉपर्टीज हेल्प करती है। इसलिए मैंने आपको पीछे मैंने बेसिक में बहुत कुछ डिस्कस किया था। ओके, तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला भाई, जब हमारा फंक्शन ऑड गिवन हो क्वेश्चन में तो ए नॉट बी, जो ए नॉट और ए एन की जो वैल्यू होती है सीधे जीरो होती है, तो ए नॉट ए एन आप कैलकुलेट ही नहीं करेंगे भाई, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही हेल्प करती हैं। ओके, तो इवन ऑड का सिंपल कंसेप्ट हमने बताया, और अगर फंक्शन हमारा ऑड है तो सिर्फ हम सिर्फ बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब जस्ट फंक्शन हमारा इवन है तो जिसका उल्टा हो जाता है, यानी कि ए नॉट और ए एन कैलकुलेट करेंगे, बी एन इस केस में क्या होगा, जीरो। ओके, तो देखिए इवन है तो वही मैंने प्रॉपर्टी लगाई, टू बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका इंटरवल कितना हो जाएगा, ये माइनस पाई लग गया, सॉरी, ये जीरो से पाई हो जाएगा। ओके, तो सिंपल प्रॉपर्टी लगाती है हमने, जो हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो, मैंने अलग से आपको बताया था। ओके, तो जब हमारा फंक्शन इवन हो तो सिर्फ क्या कैलकुलेट होता है हमारा, बी एन। ओके, क्यों, क्योंकि देखिए आप जब इसको करेंगे इवन, ओके, तो ये आपका इवन होगा तो प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू आएगी, इसकी भी आएगी, बट ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। ओके, क्योंकि इवन इनटू ऑड क्या होता है, ये हमारा इवन के मैंने क्वेश्चन में साइन कैसा होता है, ऑड, तो ऑड इनटू इवन क्या देता है, ऑड, और इस टाइप का जो हमारा इंटीग्रल होता है, तो हमने जो हमारा इंटीग्रल वाला फॉर्मूला था, ठीक है, तो उसमें वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो ये तीन आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था बिल्कुल, आपको इतना जो कंसेप्ट आता है फोरियर सीरीज याद है, आपको इवन ऑड का ये पता है कि किस केस में जीरो होता है। ओके, और अगर मान लीजिए जो तीसरा केस होता है, अगर मान लीजिए इवन नहीं ऑड नहीं, तो आपको तीनों कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ओके, तो इवन और ऑड सबसे पहले क्वेश्चन में हम चेक करेंगे, जब क्वेश्चन हम डील करेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो कंक्लूजन मैंने ये निकाला, पूरे सीरीज का मैंने कंक्लूजन ये निकाला, जब इंटरवल हमारा एल के टर्म्स में हो तो एंगल क्या होता है, एन पाई एक्स अपॉन एल, और बाकी सारा फॉर्मूला सेम होता है दोनों केसेस में। ओके, और जब पाई के टर्म्स में हो तो एंगल क्या हो जाता है, यही पाई एक्स हो जाता है, सॉरी एन एक्स हो जाता है, ठीक है, गलत लिख गया, एन एक्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि एल की जगह हम पाई पुट कर देते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो एन एक्स मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एन है तो पाई के केस में एंगल एन एक्स हो जाता है, और एल के केस में एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, अगर फंक्शन आपका ऑड दिया हो क्वेश्चन में, जब सीरीज आपको फाइंड करनी है, तो ए नॉट ए एन सीधे आप जीरो लिखने वाले हैं। ओके, सिर्फ बी एन कैलकुलेट करेंगे, अगर फंक्शन इवन है तो सिर्फ बी एन क्या हो जाएगा, जीरो होगा, और ए नॉट ए एन आप कैलकुलेट करने वाले। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने इस वीडियो में